सुशासन और राष्ट्रवाद की मुहिम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान गत 5 वर्षों से एक नई ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर है, इसमें सहयोग की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन पर एक बार फिर से अपनी मोहर लगाई और प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौका देकर के आप सबने देश के उज्जवल भविष्य की जो कामना की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कार्य को करते हुए फिर से अपने आप को साबित किया है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले 5 वर्ष का कार्यकाल 26 मई 2014 से और मई 2019 के बीच में देखा होगा। देश की राजनीति के एजेंडे को बदल करके रखा है मोदी जी ने। जिस देश ने आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब के आधार पर राजनीति की हो, जहां पर विकास का एजेंडा ना होकर के सुशासन या राष्ट्रवाद का एजेंडा ना होकर के राजनीति या तो स्वार्थों के लिए या राजनीति अपने परिवार के हितों के लिए, राजनीति किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए करने वाले लोगों पर मोदी जी ने एजेंडे को बदल करके आज उसे विकास और सुशासन में बदल करके देश के प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ने की जिस महान योजना को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है कि पहले 5 वर्ष में 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई, 4 करोड़ गरीबों को एक एक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का, या फिर रसोई गैस के कनेक्शन 8 करोड़ गरीब परिवारों में बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने का हो, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की गई हुई योजनाएं, जिन योजनाओं ने देश के विकास को दुनिया के सामने एक बार पुनः स्थापित किया है कि भारत दुनिया की आर्थिक महाताकत बनेगा और उस आर्थिक महाताकत को मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से दुनिया के अंदर इस ताकत का एहसास कराएगा। 5 वर्ष में मोदी जी ने जहां करके दिखाया है, वही भाइयों बहनों, जिन नए 5 वर्षों के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, उसकी पहली कड़ी प्रारंभ होती है देश के मुकुट जम्मू कश्मीर को दास्ता से मुक्त कराने के लिए धारा 370 को समाप्त करने की एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय का, जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय कश्मीर के संदर्भ में लिया गया, यह सपना साकार होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। याद करिए, जब पंडित नेहरू की जीत पर कश्मीर में धारा 370 लागू हुई थी, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लिए सहमत नहीं थे। वे सहमत नहीं थे, वे जानते थे ये धारा, ये संविधान की आर्टिकल जम्मू कश्मीर में पृथकतावादी तत्वों को सिर उठाने का अवसर देगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को बाधित कर देगी, बड़ी संख्या में लोगों को वहां से बाहर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अपने ही देश में एक बड़ी संख्या में लोगों को खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक नारा दिया गया था और वह नारा था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उस कार्य को मूर्त रूप देने में 70 साल लगे। इन 70 वर्षों में कांग्रेस को सर्वाधिक दिनों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, देश महत्वपूर्ण नहीं था। कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, देश महत्वपूर्ण नहीं था। अगर इनके लिए देश सर्वोपरि होता तो इन्होंने कश्मीर में अब धारा 370 नहीं लगाई होती, और लगाई भी थी तो आगामी 10 वर्षों के अंदर उस धारा को समाप्त करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के एक अभियान के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे कार्य कर सके। ये हिम्मत दिखाई है भारत माता के महान सपूतों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। मैं इन दोनों भारत माता के महान सपूतों का अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन इस बात को लेकर के करता हूं, जहां धारा 370 की समाप्ति का मतलब देश की धरती से आतंकवाद का सदैव के लिए खात्मा होना, कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठोक करके साबित किया है कि भारत की धरती में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। भाइयों बहनों, आप मुंबई में रहते हैं, आपने मुंबई में मुंबई को दहलाने वाले लोगों के किस्से सुने होंगे, उनकी कारगुजारियों को भी सुना होगा, उनके राजनीतिक रिश्तों को भी सुना होगा और देखा होगा। विगत 5 वर्ष के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र भी सुरक्षित रहा है और देश भी सुरक्षित रहा है, जिसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को। एक तरफ देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य, देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, देश के नौजवानों को स्टैंड अप और स्टार्टअप के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, या फिर इस देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य, मातृशक्ति के सशक्तिकरण को क्यों नारा नहीं बनने दिया, इसको हकीकत में बदलने का कार्य किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का रहा हो, 10 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या भाइयों बहनों 3 तलाक की कुप्रथा पर सदैव के लिए लगाम लगाने की कार्रवाई रही हो। 3 तलाक की कुप्रथा देश के अंदर सदियों से मुस्लिम महिलाओं को न्याय और स्वतंत्रता से वंचित करता था। कांग्रेस 3 तलाक के मामले का समर्थन करती थी, कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को जाकर के रख दिया था 3 तलाक की कुप्रथा ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर क्या साबित किया है कि वे नारी गरिमा का सम्मान भी रखना चाहते हैं और सही मायने में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम उठाना चाहते हैं। यह कार्य भी आजादी के बाद 70 वर्षों के बाद पहली बार हो पाया। देश के अंदर जो अविश्वास का वातावरण था, जो अराजकता थी, जो आतंकवाद था, जो नक्सलवाद था, आपने विगत 5 वर्षों के दौरान इसे समाप्त होते हुए देखा होगा।
इसे कम तोड़ते हुए देखा होगा और दुनिया के अंदर भारत को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने की स्थिति को भी आपने आकलन किया होगा। भारत का सम्मान आज दुनिया में बढ़ा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए में जाते हैं, यूएसए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के लिए जब पूरा अमेरिका पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करता है, तो मित्रों ये स्वागत केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं होता है, भारत की 136 करोड़ आबादी का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंग्लैंड में जाते हैं और पूरा इंग्लैंड उनका स्वागत करने के लिए दिखाई देता है, ये सम्मान भारत की 136 करोड़ आबादी का सम्मान होता है। जब फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इन सभी देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, तो भारत की 136 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपने धारा 370 को समाप्त करने के बाद पाकिस्तान के घड़ियाली आंसुओं को देखा होगा, वह गिड़गड़ा रहा था। पहले उसने गिड़गड़ी धमकी देने का कार्य किया और जब उसको कहा गया कि कुछ भी दुस्साहस करोगे तो फिर इस बार छेड़ोगे तो देखना, अस्तित्व के साथ जूझना पड़ेगा, याद रखना। उसके बाद से आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर बिगड़ता हुआ पाकिस्तान कैसे घूम रहा था, बोल रहा था कि लगता है कि कश्मीर धारा 370 समाप्त करने के बाद अब भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के वक्तव्य भारत की सामरिक ताकत का एहसास दुनिया के अंदर कराने वाला होता है। भाइयों बहनों, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है कैसा नेतृत्व आप दिए। आपने अच्छा और सुयोग्य नेतृत्व दिया, विश्वसनीय नेतृत्व दिया, ईमानदार नेतृत्व दिया, और विश्वसनीय और ईमानदार नेतृत्व देश को उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने का कार्य उसी ईमानदारी के साथ कर रहा है और यही कार्य महाराष्ट्र के अंदर भी होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के आंकड़ों को जब हम झांकते हैं, देखते हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर 15 वर्षों तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा था, जो अनाचार, जो दुराचार फैला रखा था, जिस प्रकार की अराजकता फैला रखी थी, जिस तरीके की अव्यवस्था फैला रखी थी, यहां का विकास बाधित हुआ। और एक समय तो लोग ये भी कहने लग गए थे कि अगर कांग्रेस और एनसीपी को फिर से मौका मिल गया तो लगता है कि अब मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहां से लोगों ने प्लान करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पिछले बार विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन की सरकार फिर से महाराष्ट्र के अंदर बनी। विगत 5 वर्ष के दौरान यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री